क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो बात है, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? यश अपने सरों से नहीं, किसी और लड़के से। क्या क्या कह रहे हैं आप? सलोन को पता है? हाँ, उसे भी ये बात नहीं पता। यश कहता है कि वो सलोनी को हमेशा एक अपनी अच्छी दोस्त समझता है और उसके सिवा और कुछ नहीं। उसके दिल में सलोनी के लिए कोई प्यार नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या करें? उन दोनों को रिश्ते में और सगाई की तारीख भी तो नजदीक आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सलोनी से हुई, उसने तो हमेशा यश को अपना प्यार समझा, अब क्या होगा उसका? वो कहती थी कि यश उसका प्यार है और यश यहां भी खुश है, जिस बात में खुश है वो उसके लिए खुश है। तो हमें बाबूजी से ये बात करनी चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये बात नहीं कह पाऊंगा, मुझे वो हिम्मत नहीं। बात तो करनी ही पड़ेगी, सगाई सर, और आप नहीं कह पाएंगे तो कौन कह पाएगा? राजा जी, शादी में आप मिठाई बिल्कुल नहीं खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाऊंगा जी, थोड़ी चख तो सकता हूँ। देखा, आप सलोनी आओ बेटे। दादा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रो ना बेटा, यश के बारे में। यश के बारे में? यश के बारे में गड़बड़ किया उसने? कोई शिकायत है उसके बारे में? बता दे बेटा, अभी कहाँ है बता। यश मुझसे नहीं, किसी और से प्यार कर। क्या तुमसे नहीं, किसी और से प्यार करता है? से प्यार करता है? कस्तूरी। कस्तूरी? कौन कस्तूरी? यश के आने की खुशी में जो हमने उत्सव किया था, ये लड़की उसमें नाची थी। नाचने वाली जारन? एक्चुअली दादाजी, यश मुझसे शादी सिर्फ अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए कर रहा था। वो मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कस्तूरी से बेहद प्यार करता है, तो मुझे यकीन है वो उसके साथ बहुत खुश रहेगा। यश ने पहले ही आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी, संगीत उसकी जान है, जिसकी डिग्री लेने के लिए यूएस भी गया, उसको भी छोड़ दिया सिर्फ आपकी खातिर। आप प्लीज मेरे खातिर यश को मुझसे शादी करने के लिए फोर्स मत कीजिए। एक अच्छा दोस्त होने के नाते हमेशा उसकी खुशी चाहूंगी। और मुझे यकीन है आप भी। नहीं रत्ना जी, नहीं, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। मैं यश की शादी कस्तूरी से नहीं होने दूंगा, तो नहीं होने दूंगा। मैंने सारा भाई को वचन दिया, मैंने कहा है उससे कि यश की शादी सलोनी से होगी,
मेरे वचन की कोई कीमत नहीं? बस कह दिया जो कहना था। आज नहीं, आज हम आपकी बात नहीं माने। आज तक आपने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, सही या गलत, हम मानते रहे, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य था। लेकिन आज हम नहीं माने, क्योंकि क्योंकि आपके प्रति हमारा जो ये कर्तव्य है, वो यश के प्यार के सामने बहुत छोटा पड़ गया है। अच्छा जी, आप मान जाइए, कृपा करके मान जाइए। अच्छा जी, आपसे हाथ जोड़ती हूं, आप अपनी इज्जत छोड़ दीजिए। छोटी सी बच्ची सलोनी अपने प्यार का बलिदान देकर हमें कुछ सिखा रही है, और आप अपनी जुबान के लिए यश के प्यार को छीन लेना चाहते हैं, खुशी छीन लेना चाहते हैं। पहले भी आपने उसकी खुशी छीन ली, म्यूजिक का करियर बर्बाद कर दिया था, आज आज तो उसे छोड़ दीजिए, आज तो उसे अपनी खुशी दे दीजिए। यश, आज अपनी खुशी का बलिदान दे रहा है, अपने प्यार का बलिदान दे रहा है। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे यश के लिए मान जाइए। छोटे बच्चों से तो कुछ सीखिए, त्याग कीजिए, त्याग कीजिए राजा जी, त्याग कीजिए और मेरा मित्र की पक्ष कीजिए। मुझे दीवार की आंखों में धूल झोंक कर तुम लड़की से प्यार करते हो, और हम तुम्हारे लिए दुनिया भर में लड़कियां ढूंढ रहे हैं, और तुम दिलो जान से उस बंजारन कस्तूरी से प्यार करते रहे। जानते हो इस खानदान की रीत क्या है? जानता हूं मुझे गलती हुई है, माफ कर दूंगा। कब तक माफिया मांगता रहेगा तू? कब तक मेरी गलतियों को अपनी गलतियां मानकर मुझसे माफी मांगता रहेगा? कितनी गलतियां की है मैंने, संगीतकार बनना चाहता था, तो कुश्ती से प्यार करता है मुझे पता लग गया था, लेकिन मैंने जबरदस्ती सलोनी से तेरी शादी पक्की कर दी। अपनी मर्जी हमेशा तो थी,
अगर मिल सके तो ऐसी बातें कर रहे हैं आप। जा बेटे ऊपर जा, जा तेरी जिंदगी। उधम सिंह, आज तुझे समझ आया कि क्या प्यार देने में, प्यार बलिदान में है, प्यार न्योछावर हो जाने में है। यही तो प्यार। एक बार फिर से सोच, तुम मुझे इसलिए गया इतना वो सही है। डैड, मैंने यूएस जाने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। फिर भी मैं चाहता हूँ बता तुम, तुम्हारा ये फैसला कुछ दिनों के लिए तुम रोक दो। मुझे एक बाप का फल मिला था, मुझे एक अच्छा सा लगता ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर दूंगा। प्लीज डैड, इस बार ऐसी कोई बात मत कीजिए। मैं जानता हूँ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यूएस हायर स्टडीज के लिए नहीं बल्कि अपने आप से बात कर जाते हो। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं यूएस हायर स्टडीज के लिए नहीं, यश से से बात कर जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो उसका प्यार मेरे दिल में खंजर की तरह चुभता रहेगा। मैं अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, इसके लिए इन तमाम यादों को भुलाना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ। डोंट वरी डैड, आई विल डेफिनेटली गेट मैरिड।
अभिलाष को पूरी तरह भुलाने के बाद। सब लोग चले ना, देर हो जाएगी, चेकिंग भी करना है। अभी तो चेकिंग बहुत टाइम। रास्ते में जाते हुए यश और कस्तूरी को भी मिल लेंगे, उन्हें अपनी बेस्ट विशेष तो देनी है। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर। पंची भैया। अरे सलोनी दीदी, आप आई आई अंदर आई। यश कहाँ है? यश यश भैया तो अपने कमरे में, जाकर मिल लीजिए। आप उन्हें नीचे बुला देंगे? ठीक है। यश, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आई थी। मैं हमेशा हमेशा के लिए यूएस जा रही हूँ। सलोनी को हिंसा नहीं कर सकती। I'm going right now. जाओ। रुक जाओ। किस लिए? किसके लिए यार? मुझे रोकने के सब अधिकार हो चुके हैं। मेरी बेस्ट विशेष कस्तूरी को दे देना और उसे कहना She's very lucky. So come on. And I'm the unlucky. She's so lucky. Sorry.